स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष जो है थोड़ा सा चुनौतियों से भरा हुआ होगा, तो आज की जो वीडियो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति किसी चीज़ से पहले से आगाह हो जाता है तो सावधानी ही बचाव होता है, सावधानी ही सुरक्षा होती है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि यह वर्ष हमारे लिए किस दृष्टिकोण से, कौन कौन से दृष्टिकोण से ख़राब होने वाला है और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। कन्या राशि, जैसे मैं प्रत्येक राशि में बताता हूँ कि हर एक राशि में 9 वर्ण होते हैं, 9 अक्षर होते हैं, तो इसी तरह से कन्या राशि किन किन जातकों की होती है सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा आपको। कन्या राशि में टो, पा, पी, पु, श, ण, ठ, पे, पो। स वो आता है जो पेट चीरा सा होता है, तो उसको उसका उच्चारण ख से भी होता है और स से भी होता है। इसके अलावा जो शब्द हैं टो है, पा, पी, पु, स या ख, अण, ठ, पे, पो, इन शब्दों पे जिन व्यक्तियों का नाम होता है उनकी राशि कन्या होती है। तो यह वर्ष जो है कन्या राशि के जातकों के लिए, वर्ष से मतलब है यह संवत, यानी 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक का ये समयावधि कई दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनसे सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अवश्य होंगी। गंभीर परेशानी का भी योग बन सकता है, परंतु ये एक समयावधि तक ही रहेगा, एक निश्चित समयावधि तक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा, परंतु परेशानियां अवश्य होंगी। साथ में शत्रुओं के षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ सकता है कन्या राशि के जातकों के लिए, और शारीरिक कष्ट के साथ साथ में मानसिक चिंतन, भय लगना, और कई बार वाणी में भी दोष हो जाना, क्रोध का होना, क्रोध की अधिकता हो जाना, और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आपका कन्या राशि के कोई भी जातक हैं जिनका साझेदारी का काम है, तो इस समय उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, साझेदारी में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि साझेदारी में धोखा हो सकता है। और अगर कोई काम साझेदारी में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक करके करना चाहिए। इसके अलावा माता पक्ष को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, कष्ट हो सकता है, और रोजगार व्यवसाय में आसान रूप सफलता नहीं मिलेगी। पति पत्नी में आपसी संबंधों में मतभेद हो सकता है, या आपके मित्रों से भी मतभेद हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं इस संबंध में, इस साल में, इस वर्ष में, वो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, और इसमें जो जो भी ग्रह इसमें कारण बन रहे हैं, अगर हो सके जो भी कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक हैं, तो जो जो भी ग्रह इस चीज़ में कारण बन रहे हैं, इनकी समस्याओं में कारण बन रहे हैं, उन ग्रहों का समय रहते यथा उचित उपाय भी
कर लेना चाहिए। और सबसे अहम बात यही है कि अगर पहले से हमें किसी चीज़ का आभास होता है तो जब वो चीज़ आती है, जब वो स्थिति परिस्थिति आती है तो उसका उतना महसूस नहीं होता है, उतनी दिक्कत नहीं होती है, उस चीज़ को हम आसानी से झेल पाते हैं, आसानी से उसका सामना कर पाते हैं। वैसे तो अवसर भी बहुत मिलेंगे, कई प्रकार के अवसर आएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं का अवसर मिलेगा और अपने आप को सिद्ध करने का मौका भी मिलेगा, अपनी योग्यता को सिद्ध करने का मौका प्राप्त होगा। अप्रैल महीने के बाद में थोड़ी सी स्थिति में सुधार होगा और थोड़ा सा सुधार होने के बाद में जो दिनचर्या है थोड़ी सी ठीक होगी, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के सावधान रहना चाहिए और उनसे संबंधित ग्रहों का जो भी यथाउचित उपाय हो, अगर ना समझ में आए तो उसको हमारे द्वारा या किसी के द्वारा, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा संपर्क करके उनका निदान अवश्य करें, ताकि ये वर्ष जो है, वर्ष की समयावधि आसानी से उनकी व्यतीत हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।